हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का प्रभात ट्रेडिंग सर्विस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कल मार्केट क्या करने वाला है। पहले हम लेने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अलॉन्ग विद दैट हम जानने वाले हैं कि कल के लिए दो कौन से स्टॉक हो सकते हैं जिसमें आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं पहले अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पे। दोस्तों, निफ्टी की क्लोजिंग बड़ी ही जबरदस्त हम देख सकते हैं कि जिस लेवल के ऊपर निकलने में इसको बहुत दिक्कत आ रही थी, उस लेवल के ऊपर ये क्लोज हो चुका है। ठीक है, वो लेवल कितना था? वो लेवल था हमारा 9330 का। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको, थोड़ा ध्यान सुनिए। हम आपको ले चलते हैं आवर्ली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, सॉरी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देख सकते हैं आप कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस के ऊपर बार बार वही रेजिस्टेंस था ही है, ठीक है, 9330 का। तो इस लेवल के ऊपर निकलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन इस बार क्लोजिंग कर दिया है निफ्टी ने। अब क्या करना है आपको, बाइंग और डिप करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर खुले तो बाय कर लो बिना किसी से पूछे। देखो आज क्या हुआ, आज खुद मार्केट ऊपर खुला था, ध्यान दीजिएगा, मार्केट लगभग 100 रुपया ऊपर खुला था, लेकिन पूरा मार्केट नीचे आया, उसके बाद बिल्कुल बाइंग आई, फिर से वी शेप रिकवरी, इट इज कॉल्ड वी शेप रिकवरी। तो हमें क्या करना है, गैप अप को बाय नहीं करना है, डिप को बाय करना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली निफ्टी को बाय करके चलना है जब भी निफ्टी हमें 9300 के आसपास मिलता है तो। ठीक है, 9250 का आपको स्टॉपलॉस लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम समझते हैं अपना बैंक निफ्टी का। दोस्तों अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का अभी जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस कितना है बैंक निफ्टी का, रेजिस्टेंस है 21,000। ठीक है, 21,000 का रेजिस्टेंस के आसपास आप देख रहे हैं, करीबन 1, 2, 3, 4 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। तो अभी भी बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुआ है, तो हमें ये कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी का 31, तो अभी भी हम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी का आपका टारगेट 21,000 होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, आप बैंक निफ्टी को बाय करके चलना है। ठीक है, जब तक बैंक निफ्टी 20,400, ठीक है, 20,400 के ऊपर रहता है तो 20,300 का आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है दोस्तों। ठीक है, सो ये है हमारे कल के मार्केट के व्यू। आई होप आप समझ गए होंगे क्या प्राइस एक्शन इसका। दोस्तों आइए पहले हम समझते हैं कि हमने कैसे एक अच्छा खासा पॉइंट जनरेट किया, एक अच्छा खासा मूव प्राप्त किया डिवीज लैब में। ठीक है, और HDFC लिमिटेड में क्या हुआ आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा। देखो दोस्तों, डिवीज लैब में हमने क्या बताया था, देखो सिंपल सा हमने बताया था कि जब डिवीज लैब 2410 के नीचे क्लोज हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो 2400 के नीचे भी तुरंत चला जाएगा। 2400 क्या था, साइकोलॉजिकल लेवल था। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और जो भी नए मानो सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे चैनल को, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी हम रेगुलर अपलोड करें वो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो आज एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन डिवीज लैब नीचे जा रहा था। ठीक है, तो डिवीज लैब में एक अच्छा खासा हमको प्रॉफिट जनरेट हुआ। ठीक है, हमने अच्छा खासा एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिला था, और एक आपने भी अच्छा खासा एक वेल्थ क्रिएट किया होगा डिवीज लैब में। दोस्तों किस किस ने वेल्थ जनरेट किया है डिवीज लैब में, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने इस डिवीज लैब की एनालिसिस से ये सीख ली होगी कि देखो मार्केट में लिटरली पैसा संभव है, इस प्रकार की एनालिसिस संभव है, लेकिन इस प्रकार की एनालिसिस के लिए आपको केवल और केवल एक चीज चाहिए, वो है एजुकेशन, राइट एजुकेशन, राइट मार्गदर्शक। ठीक है, तो वही चीज आपको हम दे रहे हैं इस लॉकडाउन में। ठीक है दोस्तों, लर्निंग लॉकडाउन का कैंपेन चल रहा है, आप आइए, हम आपके लिए भरसक डिस्काउंट दे रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है हम आपको सिखाने के लिए बैठे हैं। तो जो कोई भी आप, तो अगर आपको इंटरेस्टेड है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं HDFC लिमिटेड में क्या हुआ। दोस्तों हम आ चुके हैं HDFC लिमिटेड के चार्ट पे। दोस्तों हमने क्या बताया था आपको कि देखो भाई HDFC लिमिटेड को 1600 के नीचे शॉर्ट सेल करना है, लेकिन आज ये 1600 के फिर से ऊपर खुला था। आज NBFC सेक्टर ने बाजार को बड़ा पुश दिया था, तभी बाजार ऊपर गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, तो HDFC लिमिटेड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, तो इसमें हमारा ट्रेड बना ही नहीं, इसको हमने छोड़ दिया। तो
ये थे हमारे आज के ट्रेड। अब चलिए जानते हैं कल क्या हो सकता है, कौन से ऐसे दो स्टॉक हैं जिसमें हमको ट्रेड करना है। जो पहला स्टॉक हमारी लिस्ट में उसका नाम है सिप्ला। दोस्तों आज ना गिरावट के नाम पूरा फार्मा स्टॉक थे, ठीक है, पूरा फार्मा सेक्टर था। अब सिप्ला को आपको क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है 600 के नीचे, केवल 600 के नीचे शॉर्ट सेल करना है। 600 क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल है, होल्ड लेवल है, ठीक है, ये लेवल है। अब 600 के नीचे अगर आपको कमजोरी दिखती है, 600 के नीचे अगर आपको एक से दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल दिखता है, बिना किसी से पूछे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में आपका 600 स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट क्या होगा वो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ सकते हैं, वहां हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं एजुकेशन के लिए, और मैं आपको लेवल अपडेट कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर रखा है मैंने। तो सिप्ला में आई होप आपने जान लिया क्या क्या करना है हमें। दोस्तों अगर 600 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर 620 का लेवल दिखा देगा, ठीक है। लेकिन पता मेरे को क्या फील हो रहा है, मेरे को फील ये हो रहा है कि इसमें अभी गिरावट देखनी बाकी है, बाकी कल मार्केट खुलने देते हैं और हमें देखते हैं कैसा ये बिहेव करता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्सपायरी नजदीक है, ठीक है, 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी को, तो कृपया करके थोड़ा सा आप ना क्वांटिटी कम ट्रेड करिए, क्योंकि फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। एक्सपायरी में क्या होता है दोस्तों, एक्सपायरी का मतलब है शॉर्ट कवरिंग आती है। आज एनबीएफसी में क्यों शॉर्ट, आज एनबीएफसी दोस्तों क्यों चढ़े, क्योंकि आज उनमें शॉर्ट कवरिंग आई। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, आप कम क्वांटिटी पर ट्रेड करिए, लेवल हो सकता है काम ना करे, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से काम करिएगा, ठीक है। तो पहला स्टॉक हो गया सिप्ला। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। जो दूसरा स्टॉक है हमारी लिस्ट में उसका नाम है HDFC बैंक। दोस्तों HDFC बैंक हमने क्यों चूज किया, आइए समझते हैं चार्ट पे, रेंज में है, ठीक है। अगर मैं आपको 30 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं तो देखो बिल्कुल एक डबल टॉप लग रखा है, 2 और 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये लेवल कितना है, 935 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है कोई कैंडल तो इट कैन बी गो अप, अदरवाइज अगर 925 यानी 10 रुपए इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है 30 मिनट की, दोस्तों आप क्लोजिंग का इंपॉर्टेंस समझिए। बाकी लोग आपको लेवल्स देते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको सिखाते हैं कि भैया देखो इस प्रकार से काम करना है, ठीक है। तो अगर 925 के नीचे अगर कोई 15 से 30 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है लाइक दिस, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसमें डाउन साइड वाली दिखाई देगी आपको। देखो HDFC बैंक को चूज करने का मेन रीजन क्या है कि अगर आपको मैं डेली चार्ट पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक रेंज में है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एक रेंज में है, अब ये फटने वाला है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करते रहिएगा, और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करते रहिएगा प्रभात ट्रेडिंग सर्विस चैनल को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में, ताकि ये एजुकेशन कंटेंट बाकी सब लोगों के पास पहुंच सके। सो विद दिस इज द रैप ऑफ दिस वीडियो, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, एंड जय हिंद। आप सबको ध्यान रखिए अपना और घर में सभी का आप ध्यान रखिए। बाय बाय।